हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेणी कथन पर। आज है 11 अक्टूबर 2021, तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट से शुरू करेंगे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो मैं बता देता हूँ कि साल में दो बार ये डे मनाया जाता है जी, और ये 2006 से मनाया जा रहा है। ठीक है, पहला मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मई, ठीक है, वो निकल चुका है, और फिर सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। तो अभी अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर का सेकेंड सैटरडे पड़ा है जी 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। इससे पहले मनाया गया था 8 मई को, पड़ा था सेकेंड सैटरडे मई में, तो 8 मई को ही मनाया गया था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, थीम है 2021 का जी, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ वर्ड, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ वर्ड। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर द नीड टू कंजर्व माइग्रेटरी बर्ड एंड दियर हैबिटेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है वो साल में दो बार मनाया जाता है जी। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड एग डे। तो वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के दूसरे फ्राइडे को जी, और ये पड़ा है 8 अक्टूबर को। तो 8 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एग डे। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष 1996 से मनाया जा रहा है जी। ठीक है, और इस वर्ष इसका 25वां एनिवर्सरी मनाया गया। थीम रखा गया 2021 का वर्ल्ड एग डे का, एग्स फॉर ऑल नेचर्स परफेक्ट पैकेज। ठीक है, वर्ल्ड एग डे जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था वियना, ऑस्ट्रिया के राजधानी है वियना में 1996 में, व्हेन इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द पावर ऑफ द एग ऑन द सेकेंड फ्राइडे इन अक्टूबर ईच ईयर। ठीक है, ये टू रेज अवेयरनेस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एग एंड दियर इम्पॉर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए मनाया जाता है। अगला आर्टिकल है स्प्रिंट 01 बैंक टेक। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि IFSCA यानी द इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी ने लॉन्च किया है ग्लोबल फिनटेक हैकाथॉन, उसका नाम दिया गया है इस सीरीज का आई स्प्रिंट 21। ठीक है, ये पहला स्प्रिंट सीरीज का पहला स्प्रिंट है जी, इसलिए इसका नाम स्प्रिंट 01 बैंक टेक लिखा है। और इसका जो फोकस होगा ना इस फिनटेक का, वो होगा बैंकिंग सेक्टर पे। स्प्रिंट 01 बैंक टेक इज ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय IFSCA और साथ में गिफ्ट सिटी इन कोलाबोरेशन विथ नीति आयोग। ठीक है, इसके साथ मिलकर के 27 अप्रैल 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था। अगला आर्टिकल है नो टीचर नो क्लास। तो यूनेस्को के बारे में मैं बताऊंगा। यूनेस्को ने वर्ल्ड टीचर्स डे के अवसर पर जो 5 अक्टूबर को मनाया गया, और इंडिया में टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, इन्होंने स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट निकाला, उसका नाम दिया इंडिया नो टीचर नो क्लास। ठीक है, और ये पब्लिकेशन है जो एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है यूनेस्को का, नई दिल्ली में इसे निकाला जाता है। इट इज़ द बेस्ट ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च, ये 3rd एडिशन है जी स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, और इसका फोकस है टीचर टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन पर। इससे रिलेटेड आप फोटो देखिए। और अब मैं यूनेस्को के बारे में बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का हेड जो है एड्रो अजोलो हैं जी, और यूनेस्को का फाउंडेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। पूरा याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। अगला आर्टिकल हाई एम्बिशन कॉलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। तो इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन किया है हाई एम्बिशन कॉलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। ये ग्रुप है मोर देन 70 कंट्रीज़ का। ठीक है, 70 देशों का ये ग्रुप है और उसको इंडिया ने ज्वाइन किया है जी। मैं बता देता हूँ कि इंडिया है जो फर्स्ट ब्रिक कंट्री है जो ब्लॉक ऑफ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक टू ज्वाइन द HAC मतलब हाई एम्बिशन कॉलिशन। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो 70 देशों का ये समूह है, उसमें से इंडिया जो है पहले ब्रिक में 5 देश हैं, ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें से इंडिया है जो पहला देश बन गया है HAC ज्वाइन करने वाला। ठीक है, ये 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में इसका मीटिंग चल रहा है चाइना में। इससे रिलेटेड आप एक फोटो देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे अगला आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है प्रेशर स्विंग एडॉप्शन। ठीक है, PSA जिसको बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने डेडिकेट किया है 35 नए प्रेशर स्विंग एडॉप्शन PSA ऑक्सीजन प्लांट
टू द नेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कहाँ से किया इन्होंने? एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड से किया है जी, ठीक है। 35 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे और ये लगाए जाएंगे PM केयर्स के अंतर्गत, ठीक है। PM केयर्स का नाम, पूरा नाम बता देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। अब अपने देश में ये PSA ऑक्सीजन प्लांट जो है उसकी संख्या बढ़ करके 1224 यानी 1224 PSA ऑक्सीजन प्लांट हो जाएंगे जी, ठीक है। और इसे फंड कौन कर रहा है पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। PM केयर्स के पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। कई दफ़ा आपको केयर्स में ए का मतलब क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि असिस्टेंस होता है जी, ठीक है। इससे रिलेटेड आप एक फोटो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक, ठीक है। एक सप्ताह मनाया गया, 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच मनाया गया और ये मनाया गया जी IOSCO के द्वारा, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सिक्योरिटीज कमीशन के द्वारा। ये 5th एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक था, मतलब 5वीं बार मनाया गया ये। और ये जो इनिशिएटिव है उसे प्रमोट किया जाता है IOSCO के द्वारा टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। द की मैसेज ऑफ द IOSCO वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक कंपेन इन 2021 विल बी फोकस ऑन टू थीम्स, क्या? सस्टेनेबल फाइनेंस एंड फ्रॉड एंड स्कैम प्रिवेंशन, ठीक है। दो थीम इस पर के रखा गया है, आप इस रिलेटेड फोटो देखिए। IOSCO का हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन की राजधानी है वहाँ पर है और IOSCO का जो सेक्रेटरी जनरल है वो पॉल पी एंड्रयूज हैं जी। इसका फाउंडेशन अप्रैल 1983 में किया गया था जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते जी पहली बार, ठीक है। दूसरी बार कब जीते बता दीजिए आप। अगला आर्टिकल है फिनटेक रेटिंग। तो फिनटेक रेटिंग एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया का ग्रोथ रेट फोरकास्ट किया है 8.7 फॉर द करेंट फाइनेंशियल फिस्कल ईयर, ठीक है। और लेकिन उन्होंने GDP ग्रोथ जो है वो 2022-23 के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट किया है 10%, ठीक है। उन्होंने कहा कि सेकेंड COVID-19 का जो वेव आया है ना वो डिरेल करेगा इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा घटा दिया है। इसे रिलेटेड आप फोटो देखें, आगे बढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC जिसको आप जानते हैं बहुत बढ़िया से, RBI इसको रिलीज करता है। तो RBI ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है जी। मैं बता दूंगा कि इसमें जो MPC है उसमें बाई मंथली आता है, हमेशा आते ही रहता है, ये करंट न्यूज है, आपको ध्यान में होना चाहिए। मेरा बताने का मतलब था कि क्या क्या रेट होता है इसमें जो RBI डिसाइड करता है। तो MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट ने दोनों को अनचेंज रखा है जी। जैसे पॉलिसी रेपो रेट 4% रहा है, CRR 4%, रिजर्व रेपो रेट रहा है 3.35%, SLR रहा है 18%, बैंक रेट 4.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी MSF ये जो रेट रहा है वो 4.25% रहा है, ठीक है। चलिए, ये हैं शक्तिकांत दास जी, RBI के 25वें गवर्नर। अगला आर्टिकल है ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट। तो ER SEC, ठीक है, इन्होंने एज्यूम किया है चार्ज एज अ फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑर्डिनेंस डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज, ठीक है। इट इज़ द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, पहले OFB हुआ करता था जिसको आप जानते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो गोला बारूद बनाता है इंडियन आर्मी के लिए। अब इसके जगह पर ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट आ गया है जी। ही हैज कंट्रीब्यूट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्शन लाइन सिस्टम फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ अ स्मॉल आर्म्स एमुनिशन एट द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वारंगन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ER SEC जी जो हैं वो ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट के पहला डायरेक्टर जनरल बने हैं। आप इनका एक फ़ोटो देख लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।